Oh, mama.
घी की मालिश भगवान को करने से लक्ष्मी बढ़ती है, घर में सुख शांति बढ़ती है और मन में कभी भी बुरे विचार नहीं आते, बुद्धि को संतुलित करता है शुद्ध घी, मन को एकाग्र करता है शुद्ध घी। हर वस्तु के चढ़ाने का कोई ना कोई अच्छा महत्व होता है, अच्छा फल होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे ऋषि मुनि मनीषी ऐसा क्यों करते। महर्षि महेश योगी जब हाथ में घी का टीन लेते थे तो घी का टीन तभी जमीन में रखते थे जब टीन खाली हो जाता। भगवान ने उनको क्या ख्याति दी। ऐसा नहीं, भगवान किसी के कर्जदार नहीं रहते, भगवान का नाम है दाता। आप भगवान को अगर कुछ देते हैं तो भगवान उसके बदले में कितना अनंत गुना देते हैं, जिसकी गणना आप लोग के सीए करते हैं। आप लोग करते कि नहीं हमें नहीं मालूम। चलिए शुद्ध घी चढ़ाते हैं। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, भगवान शंकर के ऊपर सेहत चढ़ाने से भगवान की कृपा तो मिलती ही है, आपका परिवार आपके साथ बंधा रहता, जुड़ा रहता। किसी को विश्वास नहीं, बेलपत्र के ऊपर
चंदन पर किसी का नाम लिख दीजिए तो शहद की डब्बी में डोब कर बंद कर दीजिए, वह आदमी आपके कब्जे में रहेगा। लेकिन अच्छे काम के लिए करिए, पड़ोसी को या नौकर को कब्जे में करा के काम मत करिए, और करिए तो आप लोग जानिए। हर वस्तु का अलग एक महत्व होता है, हर वस्तु का अपना एक प्रभाव होता है, एक क्षमता होती है। शहद चढ़ाते हैं भगवान को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अभिषेक के बाद शुद्ध जल तो चढ़ाना है, आप देख ही रहे। किसी भी अभिषेक के बाद, स्नान के बाद शुद्धोदक जल जरूर चढ़ाया जाता है। अब इसके बाद में शक्कर की बारी आती है। शक्कर कभी भी रगड़ कर नहीं लगानी चाहिए, चाहे मिट्टी के शिवलिंग हो चाहे पत्थर के शिवलिंग हो। आपको एक सत्य कथा बताते हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जगह है, टीकमगढ़ में कुंडेश्वर महादेव। कुंडेश्वर का अर्थ है एक कूड़ा जिसमें धान कूटते थे, उखल। उसमें एक खटीक समाज की लड़की सुबह सुबह धान कूट रही थी। जब वो धान कूट रही थी तो उसके उखल में खून भर गया। लड़की चिल्लाकर बाहर आई, बुजुर्गों ने देखा कि बच्ची क्यों चिल्लाई, क्या हुआ, जाकर देखा तो बोले इसमें खून है। तो उनको लगा कि धान के बीच में कहीं सांप, मेंढक, छिपकली, चूहा कुछ ऐसा होगा। जब उन्होंने देखा तो कुछ नहीं है, धीरे धीरे उखल खून से भरता चला जा रहा। तो परिजनों ने कहा चलो इसको खोदते हैं। खोद के देखा तो उखल के नीचे शिवलिंग थे, उस शिवलिंग से खून बह रहा था। पत्थर के शिवलिंग थे, बाणासुर के द्वारा स्थापित शिवलिंग थे। बाणासुर जो था भगवान शंकर का अनन्य शिवक था। उसमें सात जलहरी हैं, एक दो तीन ऐसे करके सात, और सातों जलहरियों में शिवलिंग के बीच से एक ऐसी जगह बनी है, गैप है, कि एक दो कुंटल दूध का अभिषेक होता है तो काफी दूर पर, जैसे हनुमान जी महाराज का मंदिर है, ऐसी एक झील है, वह झील सफेद होने लगती। पर देखा किसी ने नहीं कि जो जाता कहाँ, वो झील में जाता। वहां का आज भी प्रमाण है कुंडेश्वर महादेव का टीकमगढ़ में, कि वहां की झील में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके गीले वस्त्र पहनकर बिना मुंह बोले एक गगरी जल लाकर महादेव को चढ़ा दो और आप अपनी एक मनोकामना पूरी करा लो। ये कई प्रमाण है, इस बात के कई प्रमाण वहां पर मिले। तो कुल मिलाकर वहां की बात यह है कि वहां पर धूप में मैदान में एक भैरव जी की आदम का एक मूर्ति है। और भैरव जी कभी वो अपने ऊपर मंदिर नहीं बनने देते, क्योंकि भैरव जी का कहना मैं तो नगर कोतवाल हूँ, मुझे जरूरत है मकान की या मंदिर की जरूरत नहीं, जैसे हनुमान जी महाराज नहीं बनने देते, ऐसी अपनी अपनी इच्छा है। उनको जो भी आता है घी लगा देता है गाय का, भैरव जी को घी लगा दिया। शनिवार के दिन काफी तेल घी लोग चढ़ा देते। धीरे धीरे भैरव जी का शरीर काफी मोटा तगड़ा हो गया। अब काशी से विद्वानों को बुलाया गया, भैरव जी के सेवकों को। उनने मंत्रोच्चार के साथ भैरव जी का मैल उतारा तो 42 किलो मैल निकला। 42 किलो मैल वह गंगा जी में विसर्जन करना था। अब वह मिट्टी, धूल, तेल ये सब मिला के 42 किलो वजन हो गया। रात में लगभग 12-1-2 बजे आधी रात के समय एक विशालकाय काला पुरुष हाथ में नंगी तलवार लिए और बोले प्रधान पुजारी कहाँ है, बताओ मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो अन्य अनुचरों ने पूछा कि महाराज जी सो रहे हैं, क्या गलती हो गई, आप कौन है। बोले मैं भैरव। तो उनने चरण पकड़े, बोले प्रभु क्या गलती हो गई हम लोगों से। बोले तुम्हारे प्रधान पुजारी ने, तुम्हारे गुरु ने मैल उतारा है कि हमको छील के रख दिया, पूरे शरीर में जलन हो रही है। उनसे कहो कि मेरे पूरे शरीर में घी लगाएं, नहीं तो उनका वध निश्चित। बाहर आए, उनने शरणागत हुए, नहाए, गीले कपड़ों में पूरे शरीर में घी लगाया। बड़े सिद्ध भैरव हैं। तो मेरा इसमें अपना एक मत रहता है कि जब भैरव जी का शरीर जल सकता है, छिल सकता है, तो क्या पत्थर के शिवलिंग को अपन नहीं मान सकते कि भगवान। जब तक आप भगवान नहीं मानेंगे, पत्थर की मूर्ति मानेंगे, तब तक आपका कल्याण क्या होगा। पत्थर पूजने से हरि मिलते तो कबीरदास ने ठीक ही तो कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहा।
अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं संसार का जो पहाड़ है उसको पूज डालूं। भावना का सारा खेल है। तो शक्कर कभी मूर्ति में रगड़नी नहीं चाहिए। हमारे सामने तो हम नहीं रगड़ने देते, चाहे ज्योतिर्लिंग हो चाहे हमारे यहाँ शहर की कोई व्यवस्था हो, तो सिर्फ उनको ऊपर से चढ़ाकर ऊपर से जल चढ़ा दें, चाहे पार्थिव लिंग हो चाहे पत्थर की शक्कर चढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गन्ने का रस, गन्ना का रस, गुड़ या शक्कर, ये चढ़ाने से लक्ष्मी बढ़ती है। पर गुड़ और दूध कभी मिलाकर या दही और दूध कभी मिलाकर नहीं चढ़ाने चाहिए, यह मदरा बन जाते हैं। भैरव जी को जब कोई भोग लगाना होता है, कुछ ऐसी पूजन पद्धतियां होती हैं उसमें मदिरा का भोग लगाना होता है, तो हम लोग नहीं चढ़ाते, नहीं छूते, तो दही और गुड़ मिलाकर चढ़ाया जाता है। गन्ने का रस चढ़ाइए, भगवान करे सबकी लक्ष्मी बढ़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फलों का रस हाथ में ले लीजिए।